हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजी फैशन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्लेकेट के बारे में कि हम अपनी साइट में प्लेकेट किस तरीके से बनाएं। इस प्लेकेट में आपको कहीं भी जोड़ नहीं दिखेगा, बट सिलाई दिखेंगी, बट इसमें जोड़ कहीं से भी आपको कहीं तक नहीं दिखने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, छोटी सी वीडियो 6 मिनट की ओनली, कि किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। देखिए, इसमें आपको जोड़ कहीं भी नहीं दिखने वाला है। इसकी स्टिचिंग कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें जोड़ नहीं दिखेगा, एंड इसमें हम पेस्टिंग भी नहीं करते हैं, यानी जो हम बुकरम चिपकाते हैं वैसे वो इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए, आपको स्टिचिंग दिख रही है तीन, एक लपकी सिलाई है एंड एक एक पैर का मार्जिन है, ये वाली लपकी है हमारी, बट इसमें आपको जोड़ कहीं नहीं दिखाया, साइड में तक इसके जोड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ भी इसके जोड़ नहीं है। तो इसको हम दिखाएंगे किस तरीके से हम बनाएं। तो वीडियो को पूरा देखें, छोटी सी वीडियो है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने अपना फ्रंट लिया है, इसमें हमारे तीन कट लगोगे, यानी जो नोचिस होते हैं हमारे कुट के, वो तीन लगोगे। उस पर मैं आपको मार्क लगा के दिखाता हूँ, पहला ये एंड सेकंड ये एंड ये वाला तीसरा थर्ड। तो ये वाला 1 2 3 होगा। सबसे पहले देखिए, इसको मैं नाप के दिखाता हूँ कितना है हमारा। तो ये पहला वाला है वो हमारा है आधे इंच से 100 ज़्यादा। ठीक है, आधे इंच से 100 ज़्यादा, टोटल 2.5 इंच है ये, जो आधे इंच से 100 ज़्यादा। यहाँ से देखिए, इतना हमें बाहर को रखना होता है, ये सवा 2 इंच है मार्जिन। ठीक है, सवा 2 में 1 इंच 101, 1 इंच 101 एंड तीसरा वाला जो है वो है हमारा आधा इंच 100। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो हम आपको कटिंग करके भी इसकी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यह आएगा। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो हम इसकी कटिंग भी दिखाएंगे। इस वीडियो में आप इसकी स्टिचिंग देखें किस तरीके से हम करेंगे। इसी तरीके से हमारी ये तीन कट नीचे लगे हुए हैं, इसमें भी हम मार्क लगा के दिखा देते हैं आपको। काफ़ी खूबसूरत प्लेकेट ये दिखती है बनने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हम सेकेंड वाले नोचिस को पकड़ेंगे, यानी जो हमारा सेकेंड कट है कुट का, उसको पकड़ेंगे नीचे ऊपर से दोनों तरफ से। तो अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं करी, मैं आपको बिल्कुल बिना प्रेस के बना के दिखाता हूँ किस तरीके से बना लें। तो ये देखिए, किसी भी धारदार चीज़ पे आप इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये निशान लग जाएगा, यानी फोल्ड हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में देखिए, यहाँ से फोल्ड होने के बाद इसको इस वाली डॉट्स पर मिलानी है, जो हमारी आधे इंच 100 पे लगी हुई थी आगे वाली। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप मिलाएंगे तो आधा आधा मार्जिन इसमें बढ़ जाएगा, एंड ये आपकी इतनी चौड़ी ये प्लीट्स पड़ जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपको प्लीट्स दिखती होगी, हमारी प्लीट्स जो फोल्ड थी वो हमारी इस तरीके से पड़ जाएगी। तो इस तरीके से करके आप थोड़ा थोड़ा एंड नाखून से इस पर हाथ मारेंगे, नाखून मारेंगे इस पर, तो आपका ये मार्क लग जाएगा एंड ये फोल्ड हो जाएगी आराम से। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फोल्ड हो चुकी है। अगर आपका कॉटन का कपड़ा है तो आपका आराम से नाखून से ही हो जाएगा। अगर और कोई सा कपड़ा है जो फोल्ड नाखून से नहीं हो सकता, उस पर आप प्रेस कर सकते हैं। एंड इसके बाद में देखिए, ये हमारा यहाँ तक आ गया है। इसके बाद में ये वाला जो हमारा तीसरा वाला कुटका है, इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। ये हमारा कपड़ा जो है, इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे तो इस प्लेट्स के अंदर दब जाएगा, जिससे हमारा जो जोड़ होगा वो दिखेगा ही नहीं कहाँ गया। तो ये देखिए, ये हमारा कुटका, यहाँ से हमने अपने मार्जिन को ये कुटके से फोल्ड करेंगे, तो प्लेट्स का जो मार्क निशान है उससे आगे आपका नहीं जाना, उसी तक रहना ही। प्लेट्स का आपको निशान दिखता होगा, वहाँ तक हमें इस तरीके से नाखून से ये मार्क लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से लगाने के बाद देखिए क्या करेंगे, ये वाली प्लेट्स जो है इसको ऊपर को पलटेंगे, ये हमारे उल्टी साइड है। ठीक है, यहाँ पे हमारी लब की सिलाई दिखेगी, तो यहाँ से हम लब की सिलाई लगा लेंगे। कैमरा एंगल मैं सही कर देता हूँ, तो यहाँ से हम लब की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, कैमरा एंगल भी सही हो चुका है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरीके से आप अगर प्रेस नहीं भी है, अगर कॉटन का कपड़ा है तो नाखून से आराम से आपका मार्क बिल्कुल लग जाएंगे और कपड़ा आराम से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सिलाई लग चुकी है, तो ये कुछ इस तरीके से आया। देखिए सामने से इस तरीके से दिखेगा एंड पीछे से इस तरीके से। तो अब हम इसकी दूसरी सिलाई भी स्टिचिंग यानी कर लेते हैं, वो आपको किनारे से करनी है एक पैर की। तो ये हम सीधी इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए धागे को कट कर देंगे। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये आई है। तो ये देखिए, ये देखिए आपको दो सिलाई आगे दिख रही हैं एंड ये पीछे भी दो सिलाई दिख रही हैं, बट इसमें जोड़ नहीं दिखेगा कि कहाँ से दिखे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको कोई भी बात पूछना तो हमें कमेंट्स करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।